भारत की बात में आज बात अयोध्या की करेंगे। प्रभु श्री राम की नगरी को जो भी देखता है कहता है कायाकल्प हो गया है। तो कैसी है अयोध्या नगरी? अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर कैसा दिख रहा है? प्रभु श्री राम किस रूप में है? पहले सबसे पहले मैं आपको यही दिखाता हूं। प्रभु श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा वैसे तो 22 जनवरी को होगी, लेकिन उससे पहले हम आपको प्रभु श्री राम की मूर्ति का साक्षात्कार करवा रहे हैं। गर्भगृह में विराज चुकी यह मूर्ति काले पत्थर से बनाई गई है, आप देख सकते हैं। इसकी ऊंचाई 51 इंच और वजन करीब 150 किलो। यह रामलला की उस अवस्था की मूर्ति है जब वो 5 साल के थे। अब हम आपको प्रभु श्री राम की मूर्ति करीब से दिखाते हैं। देखिए, भगवान के मुखमंडल के पास श्याम शैल का जो घेरा है उस पर सारे शुभ निशान उकेरे गए हैं। वो कौन सी आकृतियां हैं और उनका महत्व क्या है, मैं आपको ये भी बताता हूं। तो देखिए, मूर्ति के दाई तरफ ओम लिखा है। ये ओंकार की ध्वनि का मूल है। इसे संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे पवित्र माना जाता है। तो ये इस ओम की महिमा है। उसके ठीक ऊपर आप देख सकते हैं इस मूर्ति में भगवान गणेश की आकृति है जो बुद्धि और विवेक के प्रतीक है, प्रथम पूज्य भी है। आगे बढ़े तो मुकुट के दाईं तरफ देखिए चक्र भी आप देख सकते हैं जिसे भगवान विष्णु धारण करते हैं। यह भगवान का अमोघ अस्त्र भी है, दृढ़ संकल्प का प्रतीक भी है। और मुकुट के बाईं तरफ देखिए शंख है जिसे धर्म और शुभ का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही गदा भी है और इसके बाद सौभाग्य का सूचक स्वास्तिक भी आप देख सकते हैं। लेकिन इसके मध्य में सूर्य है जो यश और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। कमल की तरह बड़ी बड़ी आंखें और चौड़ा माथा जिस पर श्वेत और लाल दो रंग आप देख रहे हैं। श्वेत रंग हीरों से तैयार किया गया है और बीच में लाल रंग के लिए माणिक्य का इस्तेमाल किया गया है। आप देख सकते हैं साक्षात दर्शन प्रभु के। अब आपको मूर्ति के और करीब लेकर चलते हैं। देखिए, भगवान का रूप आप अब और पास से देखिए। अगर भुजाओं के दाईं और बाईं तरफ आप देखेंगे तो इस पर भगवान विष्णु के दशावतार आपको देखने को मिल जाएंगे। और देखिए, दाईं तरफ सबसे ऊपर मत्स्य है। इसका मतलब भी मैं आपको समझाता हूं। मतलब देखिए, यानी मत्स्य अवतार ये 10 अवतारों में प्रथम है। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर संसार को भयानक जल प्रलय से बचाया था, ऐसा कहा जाता है। उससे नीचे आप देखिए, आप देख सकते हैं कुर्म अवतार की अगर हम बात करें तो कुर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहते हैं। कुर्म अवतार में भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन में मथनी बनी मंदार पर्वत को अपने कवच पर संभाला था। तो ये तमाम आप चीजें इस मूर्ति में देख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए वराह, ये मानवीय शरीर में भगवान विष्णु का पहला अवतार था। वराह अवतार जिसे कहा जाता है, जिसमें मुख वराह के समान था। भगवान ने यह अवतार दैत्य हिरण्यकश्यप के वध के लिए लिया था। उससे नीचे भी मैं आपको दिखाता हूं। उससे नीचे आप देखिए, उससे नीचे नरसिंह अवतार आप देखने को आपको दर्शन होंगे जो भगवान विष्णु के रौद्र रूप का अवतार है। भगवान ने यह अवतार भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए, और उससे नीचे भी आप देखिए ये वामन है। भगवान ने अपने इस अवतार में 3 पग में तीनों लोक नापकर दैत्य बलि का अभिमान तोड़ा था। जबकि बाईं तरफ भी आप देखिए, सबसे ऊपर परशुराम है, ये भगवान विष्णु का 6ठे अवतार है। भगवान शिव से मिला परशु नाम का शस्त्र धारण करते हैं, इसलिए परशुराम कहे गए। उससे नीचे आप देखिए राम, जो खुद त्रेता युग के प्रभु श्री राम। तो ये इस मूर्ति को गौर से देखिए, देखिए कितनी मनमोहक और सुंदर ये मूर्ति है। और देखिए उसके बाद
कृष्ण भी आप देख सकते हैं यहां पर, जो भगवान विष्णु के आठवें अवतार माने जाते हैं। कृष्ण ने द्वापर युग में हुए महाभारत के युद्ध में अन्याय के प्रति कौरवों के नाश की पटकथा लिखी। अब देखिए उसके बाद भगवान विष्णु के 10 अवतारों में 9वें स्थान पर रखा गया है और बुध को, और 10वें स्थान पर कल्कि। देखिए सनातन मान्यताओं के मुताबिक कलयुग का अंत होने के बाद यह अवतार ले और धर्म को फिर से स्थापित करें। श्याम शैल से बने इस घेरे को ध्यान से देखें तो भगवान के चरण के दाहिनी तरफ भक्त हनुमान भी आप देख सकते हैं और बाईं तरफ पक्षीराज गरुड़ है। भगवान पत्थर के कमल पर विराजित है। ये सहस्रदल कमल है और जिसमें 1000 पंखुड़ियां भी हैं। इस मूर्ति में भगवान के कोमल चरणों को पत्थर के कमल पर दिखाया गया है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान कमल पर विराजमान होकर भक्तों को आशीर्वाद देंगे। भगवान के बाएं हाथ में कोदंड स्वर्ण धनुष भी है जिसको आप देख सकते हैं और दाहिने हाथ में स्वर्ण बाण है। तो इस तरह से भगवान के ये दर्शन आपको होंगे, इसी तरह से रामलला आपको दर्शन देंगे अपने इस गर्भगृह। अब हम आपको मंदिर के गर्भगृह के बारे में बताते हैं। यही वो जगह है जहां बाल रूप में श्री राम लला की मूर्ति विराजमान है। मंदिर यूं तो काफी खुला खुला दिखता है लेकिन गर्भगृह में कोई खिड़की नहीं है। रामलला के मंदिर में गर्भगृह अष्टकोण में बना है। इसी के एक तरफ प्रार्थना मंडप और दूसरी तरफ कीर्तन मंडप भी है। जब मंदिर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो कीर्तन मंडप में राम धुन होती रहेगी। यह अद्भुत संयोग है कि ये इस मंदिर का गर्भगृह उसी स्थान पर है जहां किसी जमाने में महाराज विक्रमादित्य ने इसे बनवाया था। यह गर्भगृह ऐसा है कि राम नवमी के दिन साक्षात सूर्य देव राम लला का अभिषेक करें। मतलब हर राम नवमी पर दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें शिखर से आकर राम लला के ललाट पर पड़े। राम लला जो छोटे राम लला है जो अस्थाई मंदिर में है उनको भी वही उसी जगह स्थान दिया गया है कि जो बहुत दिनों से पूजित हो रहे आ रहे हैं उनकी भी पूजा उसी साथ में होगी। प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उसके बाद में तब वो मंदिर खोला जाएगा, तभी लोग वहाँ दर्शन कर पाएंगे। दोनों मूर्तियों के, प्राचीन मूर्तियों का और नई मूर्तियों का, सबका दर्शन। प्रभु श्री राम करोड़ों भक्तों के आराध्य है और भक्तों की आधी सदी की प्रतीक्षा पूरी हो चुकी है। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन चुका है। सिर्फ 2 दिन बाद यानी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी आने वाली है। आम लोगों को इस मंदिर में प्रवेश का मौका 23 जनवरी से मिलेगा लेकिन हम आपको उससे पहले ही मंदिर का दिव्य दर्शन करवा देते हैं। राम मंदिर का परकोटा करीब 8 एकड़ में फैला है। मुख्य मंदिर करीब 3 एकड़ में बनाया गया है। ये राम मंदिर नागर शैली में बनवाया गया है। मंदिर के शिखर की ऊंचाई 161 फीट होगी। मंदिर 3 मंजिला है, हर मंजिल की ऊंचाई 20 फीट है और परकोटे से मुख्य मंदिर में प्रवेश के 4 रास्ते हैं जो चारों दिशाओं में से बने हैं। मंदिर का मुख्य द्वार सिंह द्वार कहलाता है। ये पूर्व दिशा में है जिससे प्रवेश करते ही रामलला का मुख्य मंदिर दिखाई पड़ता है। सिंह द्वार से आगे नृत्य मंडप है, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप भी है जिनमें देवी देवताओं की मूर्तियां बनी है। आपको इन्हीं मंडपों से होते हुए गर्भगृह तक पहुंचाना होगा जहां प्रभु श्री राम के बाल रूप के आपको दर्शन होंगे। भक्तों को दर्शन में किसी तरह की बाधा ना आए इसके लिए जो इंतजाम किए जा रहे हैं उन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद नजर रख रहे हैं। बाहर क्या व्यवस्थाएं हुई हैं, प्रशासन किस व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए आज पुनः मैं एक बार यहां पर आया हूं। राज्य सरकार पूरा सहयोग करके आने वाले श्रद्धालुओं को यहां पे पूरी श्रद्धा के साथ उन्हें दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा, इसके लिए टेंट सिटी भी लगाई गई है।
धर्मशालाओं को भी तैयार किया गया है, किसी को भी असुविधा नहीं होगी। इस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं और प्रदेश सरकार, स्थानीय प्रशासन इसमें भरपूर सहयोग करेगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि मंदिर कुछ ऐसे बनाया गया है कि कम से कम 1000 साल तक ये इसी तरह रहेगा। इसके निर्माण में भूकंप रोधी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर में कोई बेसमेंट नहीं है और लोहे का इस्तेमाल मंदिर में बिल्कुल नहीं किया गया है। योजना के मुताबिक मंदिर के शिखर की ऊंचाई 161 फीट होगी, लेकिन अभी यह पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। गर्भगृह के ऊपर अब पूरी तरह से शिखर बनाया जा रहा है और उस पर ध्वज लहराया जाएगा। इसे बांस और कपड़ों से बनाया गया है, लेकिन अगर आप दूर से देखेंगे तो वो ठीक उसी रंग का है जैसे कि पूरे मार्बल और पत्थर जिससे ये मंदिर बनाया गया है। महत्वपूर्ण बात यह कि अगर हम मंदिर को अधूरा कहते हैं कि गर्भगृह के ऊपर का शिखर जब तक नहीं बनेगा तब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा होना अशुभ माना जाता है, जिसकी कवायद शंकराचार्य या कई ऐसे संत और महात्मा कर रहे हैं, उसके जवाब में इस तरह से अब मंदिर को पूर्ण स्वरूप दिया जा रहा है। शिखर को लेकर जो भी इंतजाम किया गया है वो शास्त्र सम्मत है और इसलिए किया गया है कि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन भी वैसा ही नजर आए जैसा मंदिर को बनाने की पूरी योजना है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब भक्तों के लिए मंदिर के कपाट खुलेंगे तब आपको भी मंदिर के इसी रूप में दर्शन। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।